रजिस्ट्री जो भी कॉस्टिंग आती है वो हम फ्री कर देंगे। भी हमको फुल पेमेंट करते हैं उनको हम रजिस्ट्री जो भी कॉस्टिंग आती है वो हम फ्री कर देंगे। रजिस्ट्री खर्च फ्री कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक ये ऑफर लागू है? नमस्कार, मैं शेख गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, लगातार आपने देखा होगा मैं कई सारे वीडियो दिखाया आपको प्लॉटिंग के बारे में कि कैसे आप सस्ते में प्लॉट खरीद के घर बना सकते हैं किसी अच्छे शहर में। मैं लगातार कुछ दिनों से लखनऊ का वीडियो दिखा रहा था आपको और आज मैं फिर से लखनऊ में हूँ और लगातार मुझे कमेंट आ रहे थे भैया कि पूर्वांचल से कमेंट आ रहे थे, हमारे गोपालगंज से कमेंट आ रहे थे, सिवान छपरा साइड से लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोगों के लिए कोई बढ़िया लोकेशन पे प्लॉट दिखाइए ताकि जो हम लोगों को आसानी हो घर से आने में और शहर में भी रहने में आसानी हो। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए दिखा रहा हूँ कि पूर्वांचल साइड से जितने लोग हैं, गोरखपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, देवरिया, कुशीनगर या मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, चंपारण से जितने लोग हैं उनके लिए, उनके डिमांड पे आज का ये वीडियो होने वाला है। मैं आज गोरखपुर वाली जो हाईवे है, गोरखपुर से जो लखनऊ के लिए हाईवे आती है, मैं आज उस हाईवे पे ये प्लॉटिंग का वीडियो दिखाने वाला हूँ। इस प्लॉट का मिनिमम आप मात्र 10 लाख रुपए से यहाँ पे प्लॉट इन्वेस्ट खरीदेंगे और घर बना के रह सकते हैं। रजिस्ट्री खर्च मात्र आपको 70-75 हज़ार रुपये आने वाले हैं, वो भी अभी फ्री है, अप्रैल तक पूरा फ्री है यहाँ पे रजिस्ट्री खर्च, ऑफर चल रहा है। पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो अभी मैं हूँ अयोध्या जी वाला जो हाईवे है जो लखनऊ से अयोध्या की तरफ जाता है हाईवे, पीछे थोड़ा सा दिखाएं वो हाईवे यहाँ से दिख जाएगा आपको। और अभी हाईवे के करीब ही हैं और एक नया प्लॉट आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप इस हाईवे पे, चूँकि हम लोग आते हैं जब हमारे तरफ से गोपालगंज, सिवान, छपरा से या आप गोरखपुर से जब आते हैं इस हाईवे से, तो लखनऊ में शहर में अंदर जाने से पहले ये हाईवे से बगल में आज ये प्लॉट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी हमारे साथ विनीत द्विवेदी जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। विनीत सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इनसे मिलके कि भाई ये भी पूर्वांचल से हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दें पहले, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। देवरिया से हैं और लखनऊ में प्लॉटिंग का काम करते हैं। ये इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये लोकेशन आपका अयोध्या बाईपास से 100 मीटर अंदर है, ठीक है। हमारी जो साइट है ऑलरेडी 3 फेज हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हम एक्सटेंशन पार्ट आपका सामने ला रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम 50 फीट का रोड दे रहे हैं, 40 फीट, 30 फीट, एक पार्क दे रहे हैं बड़ा, हम 1 बीघे का लमसम, ठीक है। इसमें नाली देंगे, साइड में पेड़ लगाएंगे, तो रहने के लिए आप सेम टाइम आप परचेज करके इसको कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। पीछे देख सकते हैं आप घर बन रहा है यहाँ पे, या पीछे में देखेंगे तो ये मोहल्ले में यहाँ पे लोग घर रह रहे हैं। कौन सा एरिया हो गया ये? ये सफेदाबाद ही आता है। सफेदाबाद ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं पीछे में मार्केट है और घर बना के लोग रह रहे हैं। पीछे में दिखाएं थोड़ा सा, इधर भी मार्केट आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जमीनों में जो बाउंड्री देख रहे हैं ये लोग खरीद चुके हैं। ये सारी चीज जमीनें बिक चुकी हैं जितनी बाउंड्री आप देख रहे हैं जी। थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएं कि ये रोड कितना होने वाला है। देखिए, ये जो सामने आपको रोड दिख रही है 40 फीट की है। आप जैसे हमारे प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं आपके एंट्री वाली रोड जो 50 फीट, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, सामने हाईवे दिख रही है, गाड़ियाँ आती जाती दिख रही है, हाईवे के जस्ट बगल में ही है हम लोग। सामने आप जैसे अयोध्या हाईवे से आप 100 मीटर अंदर आएंगे हमारी साइड आपको राइट हैंड पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंट्रेंस 50 फीट का है, जो अंदर कनेक्टिंग रोड है वो 40 और 30 फीट के हैं, ठीक है। और इसमें आपको सारे साइजेस के लमसम प्लॉट मिल जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग कितने से होने वाली है? स्टार्टिंग मान के चलिए आप 800 स्क्वायर फीट, हमारा जो प्राइस की स्टार्टिंग 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से आप यहाँ पे, मतलब घर बनाने का साइज क्या होगा उसका? 8 लाख, 10 लाख में जो लेंगे, जो डायमेंशन होगा वो आपका 20-40 होगा। 20-40, तो आप बढ़िया घर बैठ सकता है इतने एरिया में। थोड़ा सा यहाँ के लैंडमार्क के बारे में बात करें अगर, कि भाई जो वीडियो देख रहे हैं जो लखनऊ से काफी वाकिफ होंगे जो लोग, वो कैसे इस जगह को यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप जो सामने हाईवे देख रहे हैं ये शहर की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे आप 100 मीटर हमारे जैसे हाईवे पे आप जाते हैं, आपको हिंद मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, द एनसी पब्लिक स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। आपके इधर देखेंगे तो मेयो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। सामने डेंटल कॉलेज है, ठीक है। सामने आपकी पूरी रिहायशी कॉलोनी है जिसमें कम से कम राइट नाउ अभी आप मान के चलो 2 से 2.5 हज़ार फैमिली रह रही है, ठीक है। और आपको 100 मीटर पे मार्केट, जो दिनचर्या की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी 100 मीटर ही जाने पे आपको जी। तो और बीबीडी कॉलेज जो है, यूनिवर्सिटी जो है, वहां से कितना दूरी हो जाएगा यहां का? ये सर मान के चलिए आप 3.5 किलोमीटर
3.5 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, अगर मेन यहाँ पे जैसे स्टेशन की बात की जाए या एयरपोर्ट तो काफी दूर हो गया, वो तो कानपुर वाले रोड पे है, स्टेशन की बात की जाए वो कितना दूर हो गया यहाँ से? देखिए, आप अगर लखनऊ रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो 12 से 13 किलोमीटर है, जो कि आपको 24/7 आपको कोई किसी तरह की समस्या नहीं, कन्वेंस की आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं होनी, आप जैसे रोड पे जाएंगे आपको साधन मिल जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी अपनी कंपनी के बारे में बताएं, जो जैसे जमीनों के मामले में काफी फ्रॉड होता है, आपने देखा होगा, और खासकर जो दूर से लोग जमीन लेना चाहते हैं वो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि भाई कहीं हम फंसे नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो बढ़िया से जमीन मिल जाए और हमारे पोजीशन मिल जाए, हम अपना घर बना के रहने लगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, ये मार्केट में और यहाँ पे ये सब सारी चीजें हो रही हैं, बट आपको बिल्कुल हमारे कस्टमर को निश्चिंत रहने की जरूरत है, इसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं है। आप पहले आइए, पहले कब्जा लीजिए, रजिस्ट्री कराइए, ठीक है, फिर आप हमको पैसा दीजिए, हमें कोई किसी तरह कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए कि कहीं से कोई समस्या होने वाली इसमें नहीं है, हमारे सारे कागज क्लियर हैं, आप आइए कागज लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पहले काम करिए ना, कस्टमर को मैं बोलता हूँ कि आप पहले कब्जा ले लीजिए, देन आप रजिस्ट्री कराइए, इसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं है। ये जमीन की रजिस्ट्री जो है वो किसके नाम पे होगी, कंपनी के नाम पे या कोई किसी? जी, कंपनी टेक्टिकल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, और जो उनके अथॉरिटी होंगे वो रजिस्ट्री करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्री कहाँ पे होगा इसका? बाराबंकी होगी, बाराबंकी नवाबगंज तहसील बाराबंकी। रजिस्ट्री खर्च कितना आ जाता है लगभग इसमें? देखिए, डिपेंड करता है साइज पे, मान लीजिए 10 लाख का कोई प्लॉट कोई ले रहा है जी, तो कितना आ जाएगा रजिस्ट्री? देखिए, मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 70 से 75 हजार रुपए करीब खर्चा आएगा जी। 70 से 75 हजार खर्च में ये काफी कम हुआ अभी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शहर के मामले में बिल्कुल। अगर हम लखनऊ में जमीन ले रहे हैं, मात्र तो 10 लाख में जमीन मिल जा रही है, 70-75 हजार में अगर रजिस्ट्री हो जा रही है और इतने अच्छे लोकेशन पे, ताकि अभी देखें बगल में घर बन चुका है, ये टेक्निकल टाउन में ही है जी, ये हमारे कस्टमर हैं, उन्होंने अपना मकान तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये जितनी बाउंड्री दिख रहा है ये सब बिक चुके हैं, ये सारे प्लॉट सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपको इसमें, आप जैसे एंट्रेंस करते हैं आपको यहाँ पे भी कुछ प्लॉट मिल जाएंगे, ठीक है, आपको इधर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और जो आप किनारे देख, वहाँ देख रहे हो हमारा एक्सटेंशन पार्ट आ रहा है, हमारा पार्ट टू आ रहा है, जो अभी हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आपको स्टार्टिंग 10 लाख से हम वहाँ पे प्लॉट दे देंगे, मिनिमम 800 स्क्वायर फीट साइज रहेगा, मतलब कम से कम 800 स्क्वायर फीट लोग ले सकते हैं। क्लाइंट को जैसे चाहेगा वैसे मिल जाएगा, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000, ठीक है। अच्छा, कितने दिनों में ये मान लीजिए कोई रजिस्ट्री कराता है, कितने दिनों में मोटेशन हो जाता है खारिज दाखिल जिसको? ये मान के चलिए मिनिमम 45 डेज होता है, 45 दिनों में खारिज दाखिल हो जाता है। खारिज दाखिल होने के बाद तो कोई टेंशन नहीं है किसी तरह, कोई समस्या नहीं। और पहले भी, जैसे पहले आप कह रहे हैं कि भाई आप पोजीशन पहले ले सकते हैं, उसके बाद से जब जमीन रजिस्ट्री कराएं उसके बाद से आप घर वगैरह बना सकते हैं, सेम टाइम करा सकते हैं, हमें कोई समस्या। अगर पहले बाउंड्री वगैरह करा सकते हैं तो बिहार में एक कहावत है जी, जैसे जमीन में अगर बाउंड्री कराना शुरू करते हैं तो जितने भी भूत पिशाच रहते हैं जमीन में वो निकलने शुरू हो जाते हैं, मतलब अगर किसी और का कब्जा वो दावेदारी है उसमें तो वो आना शुरू हो जाता है, सामने आ जाती है। तो पहले जैसे कह रहे हैं कि भाई आप पोजीशन पहले ले सकते हैं, बाउंड्री वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी एडवांस दे के आप शुरू कर सकते हैं अपना काम और रजिस्ट्री करा के घर बना सकते हैं, ये काफी अच्छा लगा। सबसे अच्छा लखनऊ में मुझे ये लगता है, मैं बार बार यहाँ के प्लॉट का ये इसलिए दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे रोड का जो है ना, दिखाएं थोड़ा सा पीछे मैंने, ये कितने फीट रोड है? ये 40 फीट रोड है, 40 फीट रोड है। और ये सबसे अच्छा ये लगता है कि रोड वगैरह सब निकाल के देते हैं। बिहार में जमीनें जब लोग सेल करते हैं तो उस कंडीशन में आ जाता है कि भाई आपको प्लॉट में से छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे है कि 40 फीट रोड, 40 फीट, 50 फीट, 30 फीट के मिनिमम रोड है। सामने 1 बीघे का पार्क है आपका, ठीक है, पार्क बीच में रहेगा उधर सामने आप देख रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हैं जमीन? देखिए, इसमें हम आपको RCC रोड करके देंगे, नाली बना के देंगे, रोड के किनारे पेंट लगा के देंगे, ठीक है। पार्क को मैं एक अच्छे तरीके से, जैसे किड्स प्ले एरिया, चेयर्स, झूले, सारी चीजें हम उसको ये सब लगा के, सारी चीजें लगा के देंगे। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे वीडियो देखने वाले पूर्वांचल साइड से लोग हैं और मैक्सिमम लोग लगातार उधर से इंक्वायरी कर रहे थे जमीनों के बारे में, सिवान से, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, गोपालगंज हो गया, तो थोड़ा सा अपना परिचय दें आप देवरिया वाला, ताकि लोग वहां से लोग कनेक्ट हो सके आपसे। देखिए बात, मैं भी पूर्वांचल देवरिया का रहने वाला हूँ, ठीक है, और बात बिहार की आ रही है तो मैं बिल्कुल बिहार बॉर्डर से लगा हुआ मेरा गांव का है, ठीक है, तो आप ही का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, ठीक है, उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आप ही के बीच का हूँ तो किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप भाई के नाते हम पे विश्वास करिए, आइए कागज लीजिए, पहले कब्जा लीजिए, फिर रजिस्ट्री कराइए,
ठीक है, बिल्कुल सारी सुविधाएं एक जो रेजिडेंशियल सोसाइटी में होनी चाहिए हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं आपको, जो हमने बताया जैसे लाइक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज दे रहे हैं आपको, ट्रांसफार्मर लगा के, ठीक है, नाली है, पेड़ पौधे हैं, पार्क है, किड्स प्ले एरिया हो गया, ठीक है, मतलब फैमिली बच्चों के लिए सारी चीजें फ्रेंडली रहेंगी सर जी। कैसे लोग आपसे संपर्क करें, मैंने जो वीडियो देख रहे हैं जिनको मन है कि भाई यहाँ पे हम प्लॉट लें, वो कैसे आपसे संपर्क करें? आप उसपे नंबर दिया रहेगा, आप मुझे कॉल करिए, मैं नंबर इनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इनके ऑफिस का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आप लखनऊ विजिट करना चाहते हैं तो भाई से मिले, फोन करें, आप उनको प्लॉट पे विजिट कराएंगे, आप ले आके दिखाएंगे, और आपको पसंद आए तो फिर इनसे बाकी आगे की बातें पूरी कर सकते हैं, या फोन पे भी आप मैक्सिमम कर। बहुत सारे लोग हैं कि भाई जो विदेशों में है, बाहर जॉब करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम अपने फैमिली का किसी के भेजें, और अगर किसी तरीके की जानकारी चाहिए मैं 24/7 अवेलेबल हूं, उसमें किसी तरह कोई समस्या नहीं। व्हाट्सएप पे इसका डिटेल, व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें, आपको सारी चीजें व्हाट्सएप मेल जैसे क्लाइंट जाएगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई हम चाहेंगे आपसे कि जो लोग हमारे व्यूअर हैं, जो काफी हम जहाँ भी जाते हैं उनके लिए ऑफर लेके आते हैं कि भाई हमारे व्यूअर के लिए क्या ऑफर है आपके यहाँ, मान लीजिए भाई इतने लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के माध्यम से दूर दूर के लोग आपसे इंक्वायरी करें, उनके लिए क्या ऑफर देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और देखिये त्योहार का सीजन है, अभी होली आ गई है, नवरात्र आने वाला है, ठीक है, तो अभी हम लोग एक ऑफर लाए हैं कि 10 अप्रैल तक, लाइक टिल नवरात्र तक, जो भी हमको फुल पेमेंट करते हैं उनको हम रजिस्ट्री जो भी कॉस्टिंग आती है वो हम फ्री कर देंगे, रजिस्ट्री खर्च फ्री कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कब तक ये ऑफर लागू रहेगा? 10 अप्रैल तक। अप्रैल तक जी। ये काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा डिटेल बताया और ये अपना प्लॉटिंग विजिट कराया यहाँ पे। जी थे देवरिया से, और अभी हम लोग पूर्वांचल के लिए एक बढ़िया प्लॉट दिखा रहे थे आपको, पूर्वांचल से लगातार कमेंट आ रहा था, हमारे सिवान गोपालगंज के लोग लगातार कमेंट कर रहे थे भैया हम लोग अगर लखनऊ में जमीन लेना चाहते हैं तो किस लोकेशन पे बढ़िया रहेगा, तो हमने दिखाया आपको लखनऊ से अयोध्या जाने वाली यानी गोपालगंज जाने वाली गोरखपुर की तरफ जो हाईवे जाती है उसी हाईवे से सटे हमने एक प्लॉट आज आपको दिखाने की कोशिश की टैक्टिकल टाउन नाम से, और काफी अच्छे लोकेशन पे, यहाँ पे मिनिमम आप 800 स्क्वायर फीट जमीन ले सकते हैं, मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे, और मात्र 70,000 से 75,000 रुपए रजिस्ट्री खर्च आएंगे यहाँ पे, और अभी 10 अप्रैल तक अगर आप लेते हैं तो यहाँ रजिस्ट्री खर्च फ्री है, आप यहाँ पे प्लॉट लेके बढ़िया घर बना सकते हैं, और मात्र 45 दिनों में यहाँ पे खारिज दाखिल करा के अपने नाम से अपलोड कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपको इस प्लॉट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, नमस्कार, धन्यवाद।